So yesterday we started with the cathode ray experiment where we do the discovery of electrons. So discovery of electron, it was done by J.J. Thomson. Okay. So in this model, what he took actually, उसने दो electrodes ली थी. He took a cathode and an anode. Metallic electrodes हैं, right? Where the cathode, it was connected to the negative terminal of the battery, and the anode, it was connected to the positive terminal of the battery, right? And this whole apparatus, it was took in a glass tube. एक glass tube भी लिया था. जिसको आप क्रूक्स ट्यूब भी कह सकते हो, डिस्चार्ज ट्यूब भी कह सकते हो. ओके, सो दिस इज द ग्लास ट्यूब एंड वन एंड ऑफ दिस ग्लास ट्यूब इट वाज कनेक्टेड टू द वैक्यूम इन ऑर्डर टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर. ओके, तो यहां पर वैक्यूम के साथ इसको कनेक्ट किया गया था. हियर वी आर हैविंग टू इलेक्ट्रोड्स, cathode and anode, right? In between this glass tube, we took any gas or we assumed there are air particles. Okay. Now, what was done? Electricity was passed through this at normal pressures and temperature. So, जब normal pressure पे electricity इसमें से pass की गई, तो it was seen nothing was happened. ठीक है, electric current जो था वो नहीं flow किया इसमें से, right? तो first, secondly उन्होंने क्या किया? They decrease the pressure through the vacuum. So pressure jo tha, it was decreased to 10^-2 atmosphere. So what they see, right? What they see was that the light, it started flowing from the cathode. So cathode se light rays jo thi extreme, theek hai, extreme of light rays jo thi wo nikalni shuru ho gayi, right? And further, when the temperature it was decreased to 10^-4 atmosphere, जो light rays, जो light दिख रही थी वो disappear हो गई. Okay, but this wall of the anode, this wall of the anode, it started glowing. The wall of the anode, it started glowing as if की सारी light जो है वो travel करके anode की तरफ आ गई. Okay. Now what was deducted from here? कि कैथोड से कुछ रेज जो हैं, कुछ पार्टिकल्स जो हैं, वो एमिट हुए. वो कैसे एमिट हुए होंगे? ये जो गैस है ये आयनाइज होगी होगी, right? The gas, it gets splitted into positive and the negative ions. So due to this splitting, okay, due to this splitting of the gas particles into its constituent ions, क्या हुआ होगा? यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दे स्टार्टेड एमिटिंग फ्रॉम द कैथोड. तो कैथोड से वो किस तरफ चले गए? एनोड की तरफ, क्योंकि वो खुद कौन से थे? दे वर नेगेटिवली चार्ज, राइट? यू कैन सी कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है. तो नेगेटिव वाले पार्टिकल्स जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे? पॉजिटिव की तरफ. इसीलिए ये जो स्ट्रीम ऑफ लाइट थी, इट स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, राइट? इसीलिए इनको क्या हमने नाम दिया? कैथोड रेज, बिकॉज दे वर ओरिजिनेटेड एट द कैथोड एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड. तो इसीलिए हमने इसको कैथोड रेज का नाम दिया. एंड फर्दर, डिपेंडिंग ऑन देयर चार्ज, इनके ऊपर चार्ज अपना कौन सा था? दे वर नेगेटिवली चार्ज. ओके, सो बीइंग नेगेटिवली चार्ज, दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड व्हिच इज एक्चुअली अ पॉजिटिवली चार्ज. तो यहां से हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की एंड वी प्रेडिक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड इन नेचर. ओके, एंड देयर मास इज एक्चुअली 1/1840 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसको आप स्पेसिफिक कैलकुलेट करते हो तो डेट इज 9.1 × 10^-31 केजी, राइट? एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन? दैट इज 1.602 × 10^-, हां जी बेटा, कितना था? 19 कूलम. ओके, तो कूलम इज द यूनिट ऑफ द चार्ज, राइट? दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. That is equivalent to 1 unit of negative charge, right?
सो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में क्या कहा है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, दे आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि एटम के अंदर ही हैं। ओके, सब सब का मतलब उसके अंदर हैं, एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दैट आर फंडामेंटल इन नेचर। ओके, बिल्कुल सिंपलेस्ट पार्टिकल है एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड दे आर हैविंग द मास ऑफ 1/1840 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम and they carry one unit of negative charge. Okay, now the question was ki agar negative charge particles hain to now the question was ki agar negative charge species originate ho rahi hain to there must be some positively charged species also because atom on the whole is neutral. Okay, to agar koi negative cheez jo hai wo arise ho rahi hai gas mein se so there must be some positively charged species also. So this experiment, it was repeated again by E. Goldstein. ठीक है, मैं नाम लिख देती हूँ. This experiment, it was repeated again by E. Goldstein in 1886. Okay, now this time we are going to do the discovery of protons. Same experiment tha, okay, the same experiment, it was repeated. The only difference here was ki humne jo cathode li thi wo perforated kar di humne. Perforated means ki humne hole kar diye hain is cathode mein. We have made holes in this cathode in order to minimize the generation of the negatively charged species. क्योंकि अब हमने पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के ऊपर ध्यान देना था, तो जो नेगेटिव वाले ओरिजिनेट हो रहे थे तो उनको हमने कंपेंसेट करना है, यानी कि बहुत कम उनकी अगर प्रोडक्शन होगी तभी आपको पॉजिटिव आयंस जो है वो दिखेंगे. ओके, सो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो कैथोड रे है, ओके, जो कैथोड है उसको क्या कर दिया है, वी हैव परफोरेटेड इट, यानी कि उसमें होल कर दिए हमने. अगेन द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड, सेम वे से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ. अब इस टाइम क्या ऑब्जर्व किया गया, नाउ व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड दिस टाइम, पहले के थोड में से जो पार्टिकल्स थे वो ओरिजिनेट हो रहे थे, दिस टाइम फ्रॉम द एनोड, एनोड में से एक स्ट्रीक्स ऑफ लाइट जो थी वो कैथोड की तरफ आई. बिकॉज हमने अब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को कम कर दिया है, उनके जो जनरेशन है या उनका जो प्रेजेंस है उनको कम कर दिया है, तो अब ज्यादा जो है वो कौन शो हुए, हमें पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो थी वो ज्यादा शो हुई इस पर. ओके, एंड इट वॉज ऑब्जर्व अगेन अ स्ट्रीम ऑफ लाइट, इट वॉज पासिंग फ्रॉम द एनोड टुवर्ड्स द कैथोड. ओके, एंड अगेन द वॉल ऑफ द कैथोड इट स्टार्टेड ग्लोइंग, जो कैथोड की ये वॉल थी ये ग्लो करना शुरू कर गई. इसका मतलब अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स आए हैं क्योंकि वो एनोड से ओरिजिनेट हुए हैं, बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. ओके, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ है, राइट? तो इनको उन्होंने क्या नाम दिया, क्योंकि ये एनोड से ओरिजिनेट हुई है तो इनको एनोड रेस कहा, और यू कैन कॉल देम एज कैनाल रेस. ओके, जैसे उनको कैथोड रेज कहा था इनको एनोड रेज कह सकते हैं, कैनाल रेज कह सकते हैं. ओके, एंड दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स दे आर एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, प्रोटॉन्स दे आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. ओके, पॉजिटिव रेज भी कह देते हैं इनको, राइट? नाउ द एब्सोल्यूट मास, अब जो प्रोटोन का मास था दैट वाज क्वाइट डिफरेंट, एंड दैट वाज 1.67 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 केजी, दैट वाज एक्चुअली द मास ऑफ द प्रोटोन. ओके, और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो देन इट इज 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन एटम के था, ठीक है? दिस इज 1840 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट?
सो डैट इज आपने ये वैल्यूज लर्न करनी है मेन 1.67 × 10⁻²⁷ केजी वैल्यूज यू हैव टू रिमेम्बर. ओके एंड चार्जेस सेम दैट इज 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम. ओके दिस इज द चार्ज एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज. तो ये पॉजिटिव चार्ज है इनके ऊपर. तो हमने ये नहीं कहना 1 unit ऑफ नेगेटिव चार्ज, दे आर हैविंग 1 unit ऑफ पॉजिटिव चार्ज नाउ. ओके दैट चार्ज विल बी +1 1 unit of positive charge. So protons they are actually positively charged species. Okay. अब आपने जो याद रखनी है चीजें right? इसमें discovery किसने की है right? J.J. Thomson ने electron की discovery की है और E. Goldstein ने protons की discovery की है. This you have to remember. Their masses 9.1 × 10⁻³⁹ is the mass of the electron and 1.67 × 10⁻²⁷ kg is the mass of protons. दोनों का चार्ज सेम है, ओके? But only difference is the positive and the negative one. The electrons they are negatively charged and the protons they are positively charged. Is that clear? हाँ जी बेटा clear है. तो यहां से अब हमें दो चीजें पता चल गई हैं कि एटम के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम के अंदर दूसरा क्या है प्रोटॉन्स. राइट तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ये क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है एंड दैट मेक्स द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. राइट so this discovery it leads to the conclusion of the electrical neutrality of the atom. Protons they were discovered by E. Goldstein in 1886. Okay there can be one more question for you. E. Goldstein in 1886, they were discovered by the protons. Right? +1 is the 1 unit of positive charge. अगर आप इलेक्ट्रॉन का लिखते हो तो आप -1 लिखते हो ना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज आता है -1, प्रोटोन के ऊपर कितना चार्ज आएगा +1. Okay? हाँ जी धीरेन दे बोथ कैंसल आउट ईच अदर एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एटम ऑन द होल इज न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी तभी हमने एस्टैब्लिश की है यहाँ पे. अब हमें पुराने चैप्टर तक तो पता ही था कि जो एटम है ऑन द होल न्यूट्रल है बट हाउ वी हैव प्रूव्ड थ्रू दीज टू एक्सपेरिमेंट्स. तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स जो थे उसका प्रूफ था कि एटम ऑन द होल न्यूट्रल है और एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं. Okay, so we have reached this conclusion that atom is electrically neutral. यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा. एनी डाउट. सो आदित्य वेई डेड इन दी कैथोड रे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी कैथोड रेज में. यस मीन वैल्यू ऑफ चार्जेस दे आर बोथ सेम दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. दे आर सेम बोथ फॉर द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स एक्सेप्ट कि प्रोटोन जो है वो नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटोन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज. बस इतना डिफरेंस है बाकी दोनों के चार्जेस सेम है. अगर सेम है तभी तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव होने के बारे में. ओके चार्ज की वैल्यू सेम है राइट बट दे आर चार्जेस बट दे आर साइंस. ओके दे आर डिफरेंट. तो डिफरेंट होने के कारण दैट्स व्हाई दे आर कैंसिलिंग ईच अदर एंड मेकिंग द एटम ऑन द होल एज न्यूट्रल. ओके नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हमें पता तो चल गया है कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे प्रोटॉन्स हैं. ओके बट द क्वेश्चन नाउ इज अबाउट देयर अरेंजमेंट. हाउ दे आर अरेंज्ड. अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, ठीक है दोनों मिलके अगर न्यूट्रलिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं
तो इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे पड़े होंगे एटम्स के अंदर, प्रोटॉन्स जो है वो कैसे पड़े होंगे. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. ओके, सो एज वी आर डूइंग द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, सो वी आर अबाउट टू डू दिस टॉपिक नाउ रिगार्डिंग इट्स स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम. कि अब एटम के अंदर जो है अरेंजमेंट इन इलेक्ट्रॉन्स का और इन प्रोटॉन्स का कैसा है, कैसे ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं. ओके, सो रिगार्डिंग दिस वी आर गोइंग टू डू वन मॉडल, दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसको आप प्लम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हो. ओके, वाटरमेलन मॉडल भी होता है ये, क्रिसमस पुडिंग कह देते हो, राइट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटरमेलन मॉडल. ओके, तो अगर कहीं पे वाटरमेलन भी लिखा आ जाए तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, राइट. अब इसके बाद क्या देखा गया कि अब ये पार्टिकल्स कैसे अरेंज है. तो सिंपलेस्ट मॉडल इट वाज गिवन बाय जे जे थॉमसन हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो उसी ने ही अगेन ये स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया. एंड व्हाट ही सेड, कहते हैं कि सबने वाटरमेलन देखा हुआ, यू ऑल हैव सीन द वाटरमेलन, यू ऑल हैव सीन द वाटरमेलन, ठीक है. वाटरमेलन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाटरमेलन किस कलर का होता है बेटा, अंदर से फ्रॉम द इनर साइड क्या कलर होता है वाटरमेलन का, रेड. ओके, तो जो रेड कलर है वाटरमेलन के अंदर, दैट सिंबलाइज द प्रोटॉन्स. ओके, जो रेड कलर है वाटरमेलन के अंदर, दैट सिंबलाइज द प्रोटॉन्स. एंड वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, वाटरमेलन कंटेन सीड्स, राइट. सो दीज सीड्स, अब सीड्स जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं, कहीं कहीं होते हैं, राइट. कहीं ज्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं, राइट. तो ये ब्लैक कलर के जो सीड्स हैं, ये क्या शो करते हैं, दे शो द इलेक्ट्रॉन्स. तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो रेंडमली अरेन्ज है. ये नहीं है कि स्पेसिफिक पोजिशन है, यहीं पे होगा, यहीं पे होगा या यहीं पे होगा. ओके, द रेड पार्ट ऑफ द वॉटरमेलन इट शोज द प्रोटॉन्स. ओके, एंड द ब्लैक सीड्स ऑफ द वॉटरमेलन दे शो द इलेक्ट्रॉन्स. बट प्रेजेंस दोनों की सेम सेम होगी बिकॉज दे हैव टू मेक देम न्यूट्रल. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही जो है वो प्रोटॉन्स होंगे. ओके, और जो एटम का साइज एस्टेब्लिश किया गया था, इट वॉज 10^-10 मीटर. It was observed that the size of atom is this much. तो इतने एटम के साइज के अकॉर्डिंग हमने जो इसमें अरेंजमेंट देखी थी वो ऐसी हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स. ओके, एंड 10^-10 मीटर अगर आपने देखा होगा, राइट, दैट इज 1 angstrom ऑल्सो. Angstrom, दे आर द यूनिट्स. जैसे नैनोमीटर आपने पढ़ा था ना, 1 nanometer, right? So in the same way, this is the unit, 1 angstrom. That is equivalent to 10^-10 meter. Okay. So red part जो है वो सारा positive charge है और उसके अंदर जो electrons है वो embedded है. Okay. So electrons, they are embedded in the positive charge. जो seeds हैं उसके अंदर होते हैं ना, right? Inner side में embedded होते हैं अंदर की तरफ. So in the same way, electrons are embedded, okay? In the, हाँ जी, any doubt? Ma'am, are the one of electrons and protons same in? Yes, beta, I have already told you. कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो सेम होंगे क्योंकि हमने एटम को न्यूट्रल बनाना है. ओके, सो द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स, द रेड पार्ट एंड द ब्लैक सीड्स, दे विल बी सेम. वैसे आप एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वाटरमेलन का रेड पार्ट बहुत ज्यादा होता है.
ओके दिस इज जस्ट अ मॉडल टू एज्यूम, ओके दिस इज जस्ट अ मॉडल टू एज्यूम कि ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, राइट. सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमने एम्बेड किए हुए हैं उसके अंदर. वन एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट बेटा, जैसे आप नैनोमीटर पढ़ के आए हो वैसे ही एंगस्ट्रॉम है. वन एंगस्ट्रॉम इज 10^-10 मीटर. हमने क्या एज्यूम किया है कि जो एटम का साइज है वो कितना है, 10^-10 मीटर है. अगर आपने इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी है यू कैन सिंपली राइट डाउन वन एंगस्ट्रॉम क्योंकि दोनों सेम है. हाँ जी क्लियर, इज दिस क्लियर. ओके सो यस इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सॉरी राइट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द प्रोटॉन्स. जो प्रोटॉन है यहाँ पर क्योंकि हम नेगेटिव रेड पार्ट कह रहे हैं तो रेड पार्ट के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टोर्ड है. ओके दे आर प्रेजेंट राइट. एनीथिंग एल्स बेटा, ये हमने वाटरमेलन मॉडल डिस्कस किया है, सेम इज द प्लम पुडिंग. सो पुडिंग होती है, हाँ जी बेटा यू हैव हर्ड द टर्म पुडिंग. ओके तो पुडिंग भी सेम होती है राइट. ऐसे ही हम अज्यूम कर रहे हैं कि पुडिंग है हमारे पास और पुडिंग के ऊपर जैसे केक वगैरह होते हैं राइट, तो उनके ऊपर जो है ड्राई केक्स होते हैं जैसे राइट, तो उनके ऊपर क्या है, कहीं कहीं पे ड्राई फ्रूट, कहीं कहीं पे आपने प्लम यहाँ पे लगाया है ठीक है. बिकॉज दिस इज प्लम पुडिंग मॉडल तो हम यहाँ पे आप प्लम भी ले सकते हो और यू कैन आइदर टॉक अबाउट द ड्राई फ्रूट्स आल्सो. ओके तो पुडिंग है पीछे सारी और पुडिंग के ऊपर आपने कहीं कहीं पे क्या लगाए हुए हैं, प्लम लगाए हुए हैं और आइदर यू हैव प्लेस्ड ड्राई फ्रूट्स. ओके और आइदर यू हैव प्लेस्ड द ड्राई फ्रूट्स. तो सेम इज द मॉडल लाइक वाटरमेलन मॉडल. ओके तो इस मॉडल ने काफी हद तक जो एटम की न्यूट्रलिटी थी वो एस्टैब्लिश की थी. इज दिस क्लियर. राइट सो दिस इज वॉटरमेलन मॉडल, जे जे थॉम्सन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, क्रिसमस पुडिंग मॉडल, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड. ओके तो इस सब में यही हमने कहना है कि पीछे जो है वो रेड पार्ट है या पीछे जो है वो पुडिंग पार्ट है, उसके ऊपर हमने क्या लगाए हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं या ब्लैक सीड्स जो है वो प्रेजेंट है. सो दिस मॉडल इट वॉज गिवन बाय जे जे थॉम्सन मॉडल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम. तो अब इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं मॉडल के. We are having two points of this model. Points के according उसने क्या कहा कि atom जो है it contains positively charged protons. ठीक है, atom के अंदर positively charged sphere है, protons है, anything you can write. सफियर लिख लेते हैं क्योंकि हमने सफियर की बात की है. सो एटम कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड सफियर विद इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हुआ है, एम्बेडेड किया हुआ है विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट. एंड द सेकंड पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो नेगेटिव है एंड द पॉजिटिव चार्ज दे बोथ बैलेंस ईच अदर एंड मेक्स द एटम न्यूट्रल. सो सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम राइट. सो दीज टू पॉइंट्स दे वर गिवन बाय द जे जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम इन विच दे एस्टैब्लिश द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम. ओके अब आपको पूछ लेते हैं इसकी लिमिटेशंस.
Now this model, it was though able to explain the stability, able to explain the neutrality of the atom, but isne stability explain nahi ki, that how the atom is stable. Okay, so the two limitations of this model are, वैसे मेन वन जनरल जो है वो ये है दैट दिस मॉडल इट डजंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. सो दिस मॉडल डजंट एक्सप्लेन stability of atom, how the atom is stable. Okay, ये positive और ये negative charge एक दूसरे को balance out कैसे करते हैं और on the whole आपका atom जो है वो कैसे stable बनता है. Okay, so this point it was not explained by the J.J. Thomson model of atom.